हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन आई होप यू आर डूइंग वेल माय नेम इज अभिषेक एंड आई वेलकम यू अगेन इन दिस चैनल तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो में हमने बैकग्राउंड ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाना था कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ और किस किस आधार पे हुआ और कौन कौन से एक्ट के थ्रू हुआ अब हम जानेंगे कंस्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कंस्टिट्यूशन तो बन गया लेकिन उसको पास कराने के लिए असेंबली की जरूरत होती है जैसे कि अभी के टाइम पे आपको पार्लियामेंट देखने को मिलेगा और ये हो गया सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर आपको देखने को मिलेगा तो ये आपको कानून बनाने के लिए और संविधान को लागू करने के लिए यही दोनों एक्ट जो भी बनाना हो ये तो यही दोनों कारगर रहते हैं और इन्हीं को पावर मिला है तो उस टाइम पे जो था वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पास वो पावर था तो चलिए अब जानते हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या है तो ये बेसिकली आपको नाम से ही पता है एक असेंबली था जिसमें बहुत सारे मेम्बर हर एरिया से चूज़ होके आए थे तो कंस्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्म हुआ था आप डेट याद रखना कंस्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्म था नवंबर 1946 को ये फौर, इसका फॉर्मेशन हुआ किसके थ्रू तो ये एक प्लान लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के थ्रू ये फॉर्म हुआ था कंस्टिट्यूंट असेंबली अब क्या था कि इसमें जो कंस्टिट्यूंट असेंबली में आए थे तो इसमें मेंबर कैसे आएंगे तो अभी की तरह वो नहीं था कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू बट इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट होके चीज़ हर कम्युनिटी जो भी हो गए और आपको लेके मान के चलिए कि उस टाइम तो दो ही पार्टी ली थी एक तो थे आईएनसी और दूसरे थे मुस्लिम लीग तो ये कांग्रेस हो गया ये मुस्लिम लीग हो गया तो इन इनसे जो नॉमिनेशन नॉमिनेट होके जो आए थे आपके कैबिनेट कंस्टिट्यूंट असेंबली में तो उसमें क्या था कि जो स्ट्रेंथ था तो ओरिजिनली उसका स्ट्रेंथ था थ्री तो दो जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के थ्रू आने थे और नाइन्टी जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थ्रू आने थे तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में क्या था कि ब्रिटिश इंडिया का जो एरिया था जो ब्रिटिश इंडिया में आएगा वो जो भी ये जो एडमिनिस्टर करते थे एरिया तो वो एरिया ब्रिटिश इंडिया कहलाता था और प्रिंसली स्टेट में क्या था कि जो भी राजा राजवाड़े हैं तो वो इसमें आते थे तो नाइन्टी प्रिंसली स्टेट और दो आपको ब्रिटिश इंडिया से तो जो वहाँ के हमारे सीट्स से तो वो डिवाइडेड थे हिंदू सिक्स और जनरल में और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वे टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी तो जिस मान लीजिए कि हिंदू के ये सॉरी एक ये हिंदू ये सॉरी ये हिंदू का है तो ये हिंदी इसको वोट देंगे मुस्लिम का लीडर है तो मुस्लिम इसका और सिख का लीडर है तो ये सिख का तो ये था उस टाइम पे ऐसे ही बना था हमारा नॉमिनेशन के थ्रू कंस्टिट्यूंट असेंबली तो ये क्या था कि अब मैंने जैसे पहले बताया तो ये पार्शली इलेक्टेड था और पार्शली नॉमिनेटेड तो ये ना ही नॉमिनेटेड था ना ही इलेक्टेड बल्कि दोनों का मिक्सचर हुआ था हमारा कंस्टिट्यूंट असेंबली <coughs> तो यह आपको जैसे मैंने बोल दिया हिंदू मुस्लिम सिख सारे सेक्शन मिलकर और जैसे पारसी भी हो गए ये सब मिलकर ही बनाए थे अब नेक्स्ट हम आते हैं कि इसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था तो ये बेसिकली आपको पता है ना ये जैसे अभी के टाइम पर असेंबली है तो हर स्टेट में स्टेट लेजिस्टिव असेंबली और सेंट्रल में सेंट्रल तो उसी के हिसाब से ये कंस्टिट्यूंट असेंबली था उस टाइम पे तो पहला इसका मीटिंग हुआ था दिसंबर ये लिख लेना दिसंबर नाइन नाइनटीन फोर्टी सिक्स को इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था ठीक है और इसके जो प्रेसिडेंट थे तो तुरंत तो प्रेसिडेंट बनेगा नहीं लेकिन तुरंत आखिर अभी भी जब हमारा ये विधानसभा या फिर लोकसभा रहता है तो वो तुरंत इसके कोई प्रेसिडेंट स्पीकर जो भी प्रेसिडेंट है तुरंत नहीं बनते तो टेम्प्ररी जैसे कि टेम्प्ररी के मतलब कि कुछ दिनों के लिए बनाया जाता है उनको तो अभी तो हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो टेम्पररी के लिए हम टेम्प्रेरी बेसिस पे डॉक्टर सचिदानंद सचिदानंद सिन्हा को हमने बनाया था कंस्टिट्यूट असेंबली का प्रेसिडेंट और असेंबली के जो एक प्रेसिडेंट थे और दो वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था आ, एक थे वाइस प्रेसिडेंट वीटी कृष्णा और दूसरे थे आपके एचसी मुखर्जी तो ये दो वाइस प्रेसिडेंट थे और ये एक प्रेसिडेंट थे और कब इसका फर्स्ट बैठक हुआ था तो दिसंबर नाइन 1946 और कंस्टिट्यूंट असेंबली अपना फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ़ फ्री इंडिया ये आपको थे उस टाइम पे अभी तक के फर्स्ट टाइम आपको ये फ्री इंडिया में पहली बार कोई विधानसभा या लोकसभा उस टाइम बना था तो इस, इस अभी के हिसाब से तो फर्स्ट टाइम ये कंस्टिट्यूंट असेंबली बना था तो वेन इट वॉज तो इसके बाद जब बना तो इसके बाद जो चेयरमैन इसके बने तो पहले टेम्पररी प्रेसिडेंट तो सचिदानंद से लेकिन अब जो चेयरमैन बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये टेम्पररी तो सचिदानंद सिन्हा थे लेकिन जब परमानेंट बने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और जो लेजिस्लेटिव बॉडी था उसके जो चेयरमैन थे वो थे जीवी वी ठीक है असेंबली अब क्या था कि नेशन अब तो हमारा असेंबली भी बन गया तो अब क्या था कि नेशनल फ्लैग और नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भी लेना था तो हमने 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग लिया फ्लैग एंथम तो हमने 22 जुलाई को 22 जुलाई ओके okay. 22 जुलाई को हमने 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया और 24 जनवरी आज़ादी के बाद और रिपब्लिक होने के बाद 24 जनवरी 1950 को हमने अपना आ, नेशनल एंथम लिया जो 26 जनवरी पे हमारा अभी आपका नेशनल एंथम जनगणमना हमने 24 जनवरी को लिया और 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग और एम्बलम लिया चलिए अब आपको तो पता है राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट बने अब क्या था कि जो अब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गया तो संविधान तो अभी बना नहीं था तो उसको हमारे हमें संविधान हमें बनाना था तो देश तो भी पूरा न्यू आप पता है एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ था इंडिया हमारा इंडिया तो था लेकिन पाकिस्तान उसका न्यू बॉर्न बेबी था तो ये जो भी थे अब इसको तो एडमिनिस्टर करने के लिए ब्रिटेन से कोई नहीं रहेगा या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी तो इसको चलाने के लिए भारत से ही लोग जाने पड़ेंगे सारा लॉ एक्ट सब पास करना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत सारे कमेटी बनाई गई थी ठीक है तो सबसे पहले था आप मेन इम्पॉर्टेंट कमेटी लिख देख लीजिए ओके तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कमेटी था यूनियन पावर कमिटी मतलब कि यूनियन पावर कमिटी इसके जो चेयरमैन थे वो थे नेहरू और एक और थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके भी चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू और सबसे इम्पोर्टेंट ये तो हर बार इसके मेंबर से भी क्वेश्चन आ जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे तो बी आर अम्बेडकर ठीक है बी आर अम्बेडकर अब बच्चा आपका प्रोविंशियल कमेटी ऐसे तो बहुत सारे कमेटी थे लेकिन प्रोविंशियल कमेटी के जो कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो प्रोविंशियल मतलब कि जितने भी प्रोविंस थे पाँच सौ बत्तीस प्रोविंस सोचिए अगर भारत में उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहते तो भारत कितने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी तो ये जितने भी इसमें बहुत सारे बताया था ना राजे रजवाड़े थे 93 थ्री तो उसमें प्रिंसली स्टेट थे लेकिन उससे भी क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन ने बोला कि आप अपने खुद को कहाँ आपको जाना है पाकिस्तान में जाना है इंडिया में तो आपकी इच्छा के अनुसार आपका मान रखा जाएगा और आप खुद इच्छा मतलब डिसाइड कर सकते तो बहुत सारे पाँच राजा रजवाड़े थे तो उसको सारे को मिलाकर एक इंडिया बनाया था डॉक्टर सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अब चलते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी जो पता था उसमें सेवन मेंबर्स थे तो ये आप आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा तो उससे आप लिख लेना तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सेवन मेंबर्स थे ठीक है दो बाद में चेंज हो गए थे और दो नए आए थे तो ये आप देख लेना ठीक है और जब अब देखिए अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतने कमिटी के बाद सारे रिपोर्ट सबमिट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया तो इसमें अभी टोटल आ, आ, जो उस टाइम पे आर्टिकल थे वो 395 थे चलिए कमेंट करके बताइए कि अभी टोटल कितने आर्टिकल है 395 आर्टिकल थे आठ शेड्यूल थे अभी टोटल है आपके चलिए मैं इसको बता देता हूँ बारह शेड्यूल समझ रहे हो तो ये क्या है कि जो भी आर्टिकल है वो शेड्यूल में बांटा है तो चैप्टर वाइज बांटा गया है तो वही चैप्टर को बोला जाता है शेड्यूल तो ये इस शेड्यूल में इतने मतलब कि आप जो भी शेड्यूल उसको ब्रीफली बता सा... मतलब कि सार है एक समरी है कि हाँ ये आपका कंस्टिट्यूशन है आप जान सकते हो कि हाँ भाई चलो ऐसा ऐसा आपका कंस्टिट्यूशन में लिखा हो गया है तो वही इस शेड्यूल में बांटा हुआ है और कोई भी कंस्टिट्यूशन के आर्टिकल कमेंट करने के लिए यही शेड्यूल का मदद लिया जाता है चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेलियन फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं कुछ उसको हम अभी देख लेते हैं ठीक है तो पहला फीचर है कि ये बहुत बड़ा है तो इसको बोला जाता है कि ये एलिफेंट साइज़ का है क्योंकि इतने सारे आर्टिकल हैं ऑलमोस्ट 500 प्लस तो ये तो 395 दिख रहे हैं लेकिन आपको एग्जैक्ट बताना है कितने तो नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा है आप बुक देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो भी बहुत बड़ा है तो इसको बोल जाता है ये एलिफेंट साइज़ है मतलब हाथी जैसा ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अब आते हैं हम एक तो ये हो गया और इसके जो एडवाइज़र थे ये भी आप देख लीजिएगा तो बी एन रॉय इन्होंने ही एडवाइस किया था ऐसे ऐसे रहना चाहिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे चलिए अब जो इसको हमारा जैसे कि आप देखोगे बुक है वो कंस्टिट्यूशन ये पूरे हाथों से लिखा है तो ये किसने लिखा था ये प्रिंटेड नहीं है तो ये कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी तो प्रेम भाई से आप याद रखिएगा कि कैलीग्राफर थे और इसको सजाया किसने था तो नंदलाल बोस ने और बेहोर राम मोहन ने सजाया था तो याद रखिएगा इसको लिखा किसने था रिटन बाई प्रेम बिहारी और इसको डेकोरेटेड बाई आप कह नंदलाल बोस ठीक है तो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट को एक और पॉइंट लिख लीजिएगा ये तो बाद में अमेंडमेंट चलिए बाद में मिनी कंस्टिट्यूशन बाद में देखेंगे अब चलते हैं अपने शेड्यूल पे चलिए तो ये हमारा शेड्यूल है तो मैंने बताया था कि शेड्यूल है तो इसको पहले ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एट शेड्यूल थे लेकिन अब जो हो गया अमेंड कर करके इसको बारह बना दिया गया है तो बारहों को याद करने के लिए देखिए एक ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम तो ये टोटल ट्वेल्व डिजिट हो गया तो ये हर ये फर्स्ट शेड्यूल को ले लो ये दो ये थ्री ये फोर्थ ये फिफ्थ ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन्थ ट्वेल्व ठीक है तो यह बारह शेड्यूल हो गया तो ये ट्रिक है आपको याद करने के लिए तो पहला हो गया आपका पहला शेड्यूल जो है मैंने पहले ट्रिक बता देता हूँ टी से हो गया इंडियन टेरेटरी ई से हो गया इमोलमेंट ए e से हो गया एफेरमेशन ये देखो तो हम मेरे हमको भी याद करने में बहुत टाइम लग गया था तो आपको भी शायद टाइम लगेगा ही लगेगा और नॉर्मल सी बात है तो आप बस ये याद रख लेना आर से आपका राज्यसभा ये राज्यसभा में हर स्टेट से लोग जाते हैं चुन के जो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू राज्यसभा हो गया उससे हो गया आपका आ, ओके तो उससे हो गया आपका वेट अ मिनट मैं खुद ओके okay, हाँ तो ओ से हो गया अदर स्टेट मतलब कि जो शेड्यूल में है आपका फिफ्थ शेड्यूल में सिक्स शेड्यूल में आपका अदर ए सॉरी फिफ्थ ओके एस बचा हुआ था ना हाँ तो से हो गया आपका स्टेट्स जो आते हैं आपके स्टेट्स बस एक ट्रिक है स्टेट्स जो हो गए आपके जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं होते हैं सेंट्रल के द्वारा तो ये इनको स्वेत्तता रहती है खुद में एडमिनिस्टर करने का तो ये इसको जो होते हैं शेड्यूल एरिया वाले सारे स्टेट होते हैं तो शेड्यूल वाले एरिया स्टेट वो से हो गया अदर स्टेट अदर शेड्यूल वाले स्टेट जिसमें इसके भी ट्रिक है ए स्क्वायर ठीक है इसको मैं बता दूंगा अब बचा एल से एल से हो गया लैंग्वेज डी डी बचा डी से हो गया आपका ओ एल डी डी से हो गया डिफेक्शन पी से हो गया पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटी चलिए तो ए से हो गया आपका इंडियन टेरिटरी ई e से हो गया इमोलमेंट ए से एफरमेशन आर से राज्यसभा ए से शेड्यूल एरिया ओ से अदर शेड्यूल एरिया एफ से हो गया आपका एफ से ओके okay, एफ से मैंने नहीं बताया uh, हाँ एफ से आपका फेडरल लिस्ट सॉरी एफ से मैंने नहीं बताया था A, वो हो गया एफ से हो गया फेडरल uh, लिस्ट जिसमें आता है यूनियन स्टेट्स और कंकरेंट तो ये मैंने पहले भी था आपको याद है जब uh, 1919 में एक लॉ लाया गया था फेडरल और प्रोविंसियल uh, और रिजर्व तो उसी हिसाब से अभी जैसे यूनियन लिस्ट uh, में सेंटर सॉरी सेंट्रल लिस्ट में बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट कानून स्टेट लिस्ट में स्टेट और कंकरेंट में दोनों मिलके तो एफ से हो गया आपका फेडरल ओ से हो गया आपका uh, एल से हो गया आपका ये लैंग्वेज डी से हो गया आपका डिफेक्शन और ये इससे ओ से हो गया आपका डिवीज़न ऑफ पावर ऑफ लिस्ट होके ऑफि सॉरी ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा रश एक सेकंड में इसको रब रब कर दे तो चलिए पहला आपका शेड्यूल uh, वन में आपका हो गया वेट शेड्यूल वन में हो गया टेरिटरी जिसमें भारत का सा जी कितना बाउंड्री है क्या है तो ये फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है तो फर्स्ट में हो गया आपका टेरिटरी जिसमें आपका जितने भी स्टेट्स हैं और यूटीज़ है उनके नाम है और दूसरा में हो गया आपका प्रोविज़न रिलेटेड टू अलाउंसेस तो किसको कितना क्या मिलेगा अलाउंस मिलेगा क्या कै, कैसे मिलेगा जो भी जो सैलरी मिलेगा कैस किस को कैश सैलरी एंड अलाउंसेस तो ये किसको क्या मिलेगा वो इसी में दिया हुआ है और थर्ड में हो गया आपका ओथ मतलब कि शपथ ग्रहण करने के लिए ओथ एंड एफरमेशन है और आर्स में हो गया आपका सीट कितने रहेंगे राज्यसभा में सीट्स ऑफ राज्यसभा ठीक है और फिफ्थ में हो गया आपका जो ट्राइबल एरिया हो गए वो उनको एडमिनिस्टर करने के लिए जो ट्राइबल जिस एरिया में रहते हैं तो उस एरिया को एडमिनिस्टर करने के लिए ये है फिफ्थ शेड्यूल सिक्स शेड्यूल में जो जो इस वाले एरिया में बच गए शेड्यूल एरिया में तो वो जैसे कि ये अलग ये बस यही स्टेट में लागू है सिक्स शेड्यूल ये तीन चार स्टेट में लागू है तो आप ट्रिक से याद रखिएगा तो ए से हो गया आपका असम ये टी से त्रिपुरा एम से हो गया मिजोरम और एक और एम एक और एम है तो इसको ए टी एम स्क्वायर इसी लिखे एक से हो गया मेघालय तो आप याद रखिएगा सिक्स शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट है तो ए टी एम है ए टी एम स्क्वायर जिसमें मनी नहीं है तो एम से एक तीन आपका है मणिपुर मेघालय तो ये सब आपको नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट मिलेंगे नॉर्थ स्टेट वाले स्टेट तो याद रखिएगा ट्रिक से कि ए टी एम में मनी नहीं है तो आप ए टी एम असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम और मणिपुर इसमें नहीं है तो आप ये ट्रिक से याद कर सकते हो अब आ जाओ आप ये सिक्स शेड्यूल हो गया सेवन शेड्यूल <laughs> सेवन शेड्यूल में आप ये डिवीज़न ऑफ़ पावर सेवन टी ई ए आर एस फाइव सिक्स सेवन तो ये एफ से फेडरल लिस्ट जो था डिवीजन ऑफ पावर था तो स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट सेंट्रल लिस्ट सॉरी सेंट्रल लिस्ट ये तीन हो गए आपके तो इसमें जो है आपका है आ, जो फिफ्थ शेड्यूल में है तो इसमें जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 244 है तो आर्टिकल 244 में आपको मिल जाएगा कौन कौन से शेड्यूल एरिया है और सिक्स शेड्यूल में है आपका 245 तो सिक्स शेड्यूल में आपका टू फोर्टी फाइव और सेवंथ जो हो गया सेवंथ शेड्यूल का आर्टिकल ये आर्टिकल ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंसड नहीं है आपको बस शेड्यूल में है हाँ हाँ ऐसे ऐसे आपको चैप्टर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा ये चैप्टर का मतलब कि नाम हो गया बाकी वो सब आपका वो हो गया जिसको पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारे संविधान के जितने आर्टिकल्स हैं तो सेवन शेड्यूल में आपका हो गया थ्री लिस्ट सेवन शेड्यूल में तीन लिस्ट स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जिसपे स्टेट में स्टेट कानून बनाएगा सेंटर में सेंट्रल कानून बनाएगा और कंकरेंट uh, में दोनों मिलकर बनाएंगे तो ये आप देख लेना गूगल करके किस में कितने सब्जेक्ट है कौन कहाँ का किससे पे कानून बना सकता है जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एट में हो गया आपका लैंग्वेज नाइन में हो गया आपका डिफेक्शन लॉ डिफेक्शन उसको बोलते हैं जैसे दल बदलू कानून लाया गया था कोई क्या था कि तुरंत जब इलेक्शन होता कोई किसी और पार्टी से हो जाए सपोज कि बीजेपी पार्टी से आया बीजेपी पार्टी वाले तुरंत क्या कि नहीं मन बदल गया और चले गए कांग्रेस में तो उससे क्या होता है कि देश का टैक्स पेयर का मनी भी तो खराब मतलब बर्बाद होता है यही सब के लिए उन उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था ओके okay. टेंथ में हो गया आपका सॉरी नाइन्थ में था आपका ये ये आपका टेंथ शेड्यूल में था नाइन्थ में आपका हो गया ज़मींदारी सिस्टम के लिए जो सबसे पहला अमेंडमेंट में यही आया था जमीन जो भी लैंड रिलेटेड लॉ लाए गए थे जमीन के लैंड रिलेटेड लॉ ठीक है तो इसके कानून में लैंड रिलेटेड लॉ में जो भी ज़मींदारी गया इसमें ज़मींदारी सिस्टम हटाया गया था ये हो गया आपका नाइन्थ शेड्यूल में तो सारे जमींदारी ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था टेंथ अमेंडमेंट में ये है डिफेक्शन लॉ ठीक है नाइन्थ अमेंडमेंट में लैंड रिलेटेड रहा आई एम सॉरी फॉर माय मिस्टेक तो नेक्स्ट हो गया आपका एलेवेंथ में आपका हो गया पंचायती राज और ट्वेल्थ में हो गया आपका म्यूनसिपैलिटी तो ये आपका हो गया शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये आप देख लेना तो एलेवेंथ शेड्यूल में आर्टिकल है आपका देखिए टेंथ में जो आर्टिकल था एंटी डिफेक्शन लॉ का तो ये आया था जो टेंथ अमेंडमेंट सॉरी फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइन्टीन एटी फाइव में टेंथ शेड्यूल आया था टेंथ शेड्यूल कब आया था तो नाइन्थ आया था नाइन्टीन फिफ्टी वन में जो पहला बार अमेंडमेंट हुआ था तब जाके नाइन्थ शेड्यूल आया था टेंथ शेड्यूल आया था नाइन्टीन एट्टी फाइव में फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट में ठीक है और इसका आर्टिकल है आपका 102 से लेकर एक सौ इक्यानवे तो इतने आर्टिकल सॉरी 102 से एंड एक सौ इक्यानवे सर एक सौ दो एंड एक सौ इक्यानवे यही दो आर्टिकल है ओके लॉ के लिए एक सौ दो एंड एक सौ इक्यानवे तो चलिए अलेवेंथ में हो गया आपका पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायती राज इसका आर्टिकल है आपका टू फोर्टी थ्री जी और इसका हो गया टू फोर्टी थ्री यू तो ये हो गया टोटल आपके शेड्यूल चलिए अब चलते हैं कि हमारा जो फीचर्स ऑफ इंडियन कंस्टिट्यूशन मतलब कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है करके गया है तो कोई कोई बोलता है कि अपना देश का कंस्टिट्यूशन खुद नहीं हम लोग बना सके किसी और से उधार लेकर मतलब कि दूसरे दूसरे का देख के बनाया है तो हमें दूसरे की चीज़ से चीज़ों से सीखना भी चाहिए और ये और ये तो एक तरह से देखोगे तो अच्छा ही है कि दूसरे का जितने अच्छा है वो हम लेकर एक खुद अपना सोचो कितना अच्छा बनेगा सपोज कि चार लोग हैं चारों में कुछ कुछ ही है तो सबको अच्छाई लेकर एक लोग ही बनाना ना बेहतर है कि अपना रिसर्च करके बनाना बेहतर है तो ये सब देखिए कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा तो लास्ट में तो जो बढ़िया है वो है ही अब चलते देखते कौन क्या क्या शेड्यूल और क्या क्या आर्टिकल क्या क्या चीज़ें बाहर से ले गई है तो गवर्नमेंट सबसे पहले आता है कि जब मैंने बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नाइनटीन थर्टी फाइव में जिस टाइम प्रोविंशियल अटानमी आया था तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था तो यहाँ से ले गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाइन्टीन थर्टी फाइव से तो इस टाइम पे था फेडरल स्कीम था मतलब कि एक सेंट्रल में गवर्नमेंट होगी और एक राज स्टेट में गवर्नमेंट होगी फेडरल स्कीम था और एक गवर्नर होंगे गवर्नर भी वहीं से ले गया है कि आपके एक कंट्री में एक गवर्नर होंगे और जुडिशियरी रहेगा मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रहेंगे न्याय के लिए जुडिशियरी रहेगा और उस टाइम मैंने बताया था इस यू पी एस मतलब कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ये सब सब बनाया गया था और आर ये सब सब उसी टाइम से लिया गया कि हाँ एक देश में रिजर्व बैंक रहेगा जुडिशरी रहेगा और इमरजेंसी प्रोविज़न याद रखिएगा इमरजेंसी प्रोविंसन प्रोविजन है और कौन कौन से आर्टिकल मत सस्पेंड होंगे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे ये जर्मनी से लिया गया था ये प्रोविजन हाँ कि इमरजेंसी होगा और उसमें क्या क्या होगा वो जर्मनी से लिया गया था तो ये क्वेश्चन एक आ जाता है और उसमें ऑप्शन दे देगा दे इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया था तो लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना नाइन्टीन से कि से हाँ इमरजेंसी पावर लगेगा युद्ध के दौरान सब चीज़ बंद हो जाएगा इसी को बोलते हैं इमरजेंसी पावर जब फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि सारे को सैलरी कट डाउन कर दिया जाता है तो तीन टाइप के इमरजेंसी वो बाद में पढ़ेंगे तो इमरजेंसी प्रोविज़न थे ठीक है तो इमरजेंसी प्रोविजन में क्या क्या सस्पेंड हो गया जैसे कि आर्टिकल बीस और इक्कीस तो ये सस्पेंड होंगे फंडामेंटल राइट्स वो हमने जर्मनी से लिया था तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नाइनटीन थर्टी फाइव से अब जिस जो हम पे रूल कर रहे थे उनसे हमने क्या क्या लिया तो पार्लियामेंट लिया कि हमारे देश में एक संसद भवन होगा तो ये हमने वहीं से लिया रूल ऑफ लॉ मतलब कि लॉ ही देश को चलाएगी ये लिया लेजिस्लेटिव पावर लिया ठीक है अब लिया हमने सिंगल सिटीजनशिप की सिंगल सिटीजनशिप अब सोचो कि सिंगल सिटीजनशिप क्या है तो मैं बता देता हूँ तो कि जैसे मान लो कि ये इंडिया है और ये हो गया आपका ओके okay. ठीक है और ये आपका हो गया यूनाइटेड स्टेट्स तो यूनाइटेड स्टेट्स में, तो में क्या है कि 50 स्टेट्स इसमें 50 स्टेट्स हैं तो 50 स्टेट्स में क्या है कि स्टेट्स का अलग सिटीजनशिप है मतलब कि ये तुम देश के अलग नागरिक हो और यूएस के भी अलग और यूएस के भी नागरिक हो तो और ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आप दूसरे देश का मतलब कि एक इसमें नागरिक बन गए और एक सेंट्रल का तो दो, -दो आपको लेके चलना पड़ेगा कार्ड तो एक टाइम पे आप दो जगह के नागरिक इसमें हो लेकिन इंडिया में क्या है कि एक जगह पे आप एक ही चीज़ के नागरिक हो सकते हो अगर दूसरे देश का नागरिकता लिया तो वो आपका ये देश में आप नहीं रह सकते मतलब इस देश का नागरिकता आपको जो भी पॉलिटिकल पावर मिलता है वो आपको नहीं मिलेगी सब सारे जो सुख सुविधा एक नागरिक को मिलते तो वो नहीं मिलेगी तो उसी को बोलते सिंगल सिटीजनशिप कि मतलब कि एक टाइम पे आप दो जगह के सिटीजन नहीं हो सकते हो तो यहाँ पे आप यूएस में क्या है कि ड्यूअल सिटीजनशिप है आप कहीं का और का भी सिटीजनशिप ले सकते हो आप एक स्टेट का ले सकते हो दूसरे कंट्री का भी ले सकते हो लेकिन इंडिया में नहीं आप इंडिया में सिर्फ एक ही जगह के आप ले सकते हो तो ये हो गया आपका सिंगल सिटीजनशिप हमने वहीं से लिया और ब्रिट पावर भी हमने कहाँ से लिया तो ब्रिटेन से ही लिया तो ब्रिट पावर क्या बला है देखो रिट पावर होता है ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में लिया गया है तो ये रिट पावर होता है आपको मैं बात बताऊंगा जो फंडामेंटल राइट के हनन पे ही यूज़ किया जाता है तो रिट पावर जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते हो अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो रिट का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो चलिए तो ये हो गया ब्रिटेन से और एक और चीज़ हमने लिया था बाई कैमरलिज मतलब कि बाई मतलब कि लोग जैसे कि स्टेट में हो जाता है विधानसभा और विधान परिषद लेजिस्टिव असेंबली और लेजिस्टिव काउंसिल और राज्यसभा और लोकसभा तो ये हमने कहाँ से लिया है ये यूएस से लिया है अब आते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया है ठीक है और डरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये क्या है कि ये राज्य को एक हाँ इंस्ट्रक्शन देते कि हाँ आपको ये ये करना चाहिए लेकिन जो स्टेट है वो बाध्य नहीं है कि मतलब कि हाँ आप करो ही करो बस एक एडवाइजरी कि हाँ आप, आपको ये ये चीज़ करना चाहिए ताकि एक खुशहाल राज्य बन सके लेकिन उन पर बाइंडिंग नहीं होता कि हाँ आप ये कर ही मतलब कि आप करो ही करो तो ये हमने लिया था डी बी एस पी यहाँ से और यहाँ पे राज्यसभा में कौन कैसे मेंबर का नॉमिनेशन होगा इलेक्शन के थ्रू नहीं कुछ मेंबर नॉमिनेट भी होते हैं तो नॉमिनेशन भी हमने राज्यसभा का यहीं से लिया था चलिए एक सेकेंड तो ये राज्यसभा का नॉमिनेशन हो गया और दूसरा हो गया आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये अभी सी डी में आया था सी डी में कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमने यहीं से लिया तो ये आप नोट कर लेना मैं इेज कर दे रहा हूँ अब चलते हैं कनाडा से तो कनाडा से हमने लिया है एक हाँ एक स्ट्रांग सेंटर होगा कि एक सेंटर बहुत स्ट्रांग है जैसे कि आप देखोगे स्ट्रांग कैसे है हमारा इंडिया का सेंटर तो आर्मी मेनली तो आर्मी हो गई आपको सेंट्रल को ही मिलता है स्टेट को आर्मी नहीं मिलती है स्टेट के लिए स्टेट पुलिस रहता है तो जितने भी पैसे जाएंगे वो सेंटर को जाएंगे तो इस हिसाब से सेंटर को स्ट्रांग करने के लिए प्रोविज़न हमने कैनेडा से लिया है और सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा वो भी कैनेडा से लिया है ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने कनकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट होता है सेंट्रल लिस्ट होता है तो जो कंक्रेंट लिस्ट होता है जिसपे दोनों कानून बनाते हैं और इसका जो जॉइंट सीटिंग है जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिल आया दोनों फंस गया मतलब बिल आया लोकसभा से पास हो होने गया राज्यसभा में लेकिन राज्यसभा में नहीं पास हुआ तो जो डेडलॉक जो बीच में बिल अटक गया तो दोनों को बुलाकर रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सीटिंग हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी से मैंने बताया कि इससे लिए थे हम लोग इमरजेंसी प्रोविज़न कि हाँ रहना चाहिए ऐसा कुछ लेकिन इसमें क्या रूल्स हैं इसमें फंडामेंटल रूल्स ही खत्म होंगे ये हमने लिया था जर्मनी से तो ये आपका हो गया रशिया से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि मान लीजिए कोई आप स्टेट के नागरिक हो आपको इतने इतने राइट मिल रहे थे तो आपको भी तो एक ड्यूटी बनता है कि हाँ आप ये सब करो लेकिन ये भी कानूनी तौर पे मान लीजिए कि इसके लिए आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता कि हाँ आपने ये ड्यूटी नहीं निभाई तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने यहीं से लिया था फ्रेंच से हमने लिया था आइडिया ऑफ लिबर्टी मतलब कि आज़ादी इक्वालिटी मतलब कि बराबरी और फटर्निटी मतलब कि भाईचारा हमने फ्रेंच से लिया था और ये जो इसमें जो लिखा हुआ है ये प्रियम्बल में हमारा दिखता है प्रियम्बल क्या है तो प्रियम्बल आपका जैसे कि बुक में इंडेक्स होता है वैसे ही कंस्टिट्यूशन में एक इंडेक्स है जो आप एन पेज में भी देखते होंगे ये प्रियम्बल है जो आपको बताता है कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हमने यही से लिया कि हमारा संविधान में संशोधन कर करके ये आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और इलेक्शन कैसे होगा राज्यसभा में और एक नॉमिनेशन किस में था नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा हमने कहाँ से लिया था तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था इट इज पेन पेन ओके तो ये आयरिस से हमने नॉमिनेशन लिया था और इधर साउथ uh, अफ्रीका से इलेक्शन लिया था राज्यसभा में और यहाँ पे नॉमिनेशन था और जापान से हमने लिया था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो लॉ जो कहेगा वही होगा तो प्रोसीजर लॉ के हिसाब से ही सब चीज़ होगा तो ये जापान से हमने प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ लिया था चलिए लेट मी ओके तो दिस वाज इट फॉर टूडेज वीडियो आई गेस आपको समझ में आया हो तो बाय बाय और हमें हमारा कुछ ही पार्ट बचा हुआ है तो खुश रहिए पढ़ते रहिए